मर्रे सलीम में ताही लोग ही आए थे ना सहाबा इकराम की ज्यारत की तरह से कुछ आए थे। तो ये ताजिरों की डीलिंग थी है कि इस्लाम फैला। उस दौर में इस्लाम को फैलाने के लिए ताजिरों का क्रीदी किरदार था। यही बात है, शफाफ डीलिंग थी, धोखाबाजी नहीं थी, एहसास था। ये नहीं है कि माजल्ला मुश्किल को गलत इस्तेमाल किया गया जिस तरह की सूरत जा रही। तो आज आप देख रहे मुसलमान ताजिरों का क्या हाल है, दुनिया में क्या पोजीशन है, चीजें यहां बनती है और ऊपर बोरे मेड इन जापान और मेड इन चाइना बना। ऐसे नहीं होता, सही अच्छे वो सच्चे ताजिर भी हैं, मेजॉरिटी में बिगाड़ है ना, बिगाड़ भी बहुत ज्यादा है। एक और पहलू देखे ताजिरों का जो बड़ा अलमनाक है, बहुत ही अंदोहनाक है, ये सारे मरी देख रहे। वहां पे जो उधर लोग रहने वाले थे जिनके होटल थे, वहां पे जब ये बर्फबारी ज्यादा हुई है तो क्या हालात आ गए हैं। एक ये हमारे ताजिर है और एक हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ताजिर थे। अल्लाह कहर पड़ा था ना उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला के दौर में, तो उसका सामान ज्यादा आया। उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला ने कहा कि ये मुझे दे दें, हुकूमत खरीद के अवाम को सब्सिडी दे दी, सहूलत दे दी। उन्होंने कहा कि मैंने ज्यादा दफे पे इसको बेच दिया, उन्होंने और उसके दाम बढ़ा दिए, गोली और बढ़ा दी। कुछ वक्त बाद हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला को अता कि गुस्सा भी आया कि हालात कितने क्रूशियल और मुश्किल हैं। ये कहते हैं मैंने महंगे दाम को बेचना है। आज बातें करने वाले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का किरदार देखे ना, और हम अपना भी किरदार देखे, तो थोड़ी देर बाद पता चला उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने वो अनाज को मुफ्त बांटना शुरू कर दिया है। अल्लाह उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को समझ आ गई कि उस्मान से खजे की बात कर रहे। तो ये वो लोग हैं जिनको हमारे नबी ने कैद किया, तरबियत दी, जिनकी जेल शादी की, किरदार शादी की। देखिए दुनिया में मिसालें ऐसी नहीं मिलती। आज आपको पता है थोड़ा सा मोहरा थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाए तो कीमत निकल जाती है। तो ये ऐसे माशरे की अलामत होती है। जुबानी गुलामी कहें कि हमारा अल्लाह में बड़ा ईमान है, लेकिन क्वेश्चन मार्क इस पर खड़ा होता है। तो ये ताजिर लोग ही थे, बाकी हंस के थी कि अच्छा अखलाक है, सलाम लेनी हंस के साथ अच्छा अखलाक है, लेकिन असल में पता अखलाक का उसी वक्त चलता है जब दीनी होती है, क्योंकि दीनी के वक्त पता चलता है। तो फुरूते उला में इस्लाम की इशारत में कलीदी किरदार तुजार का कारोबारी लोगों का था। आज मुसलमान इसमें पीछे है। आज मल्टीनेशनल कंपनियां फला उनका स्टैंडर्ड देख लें, अपना जितना मर्जी हो लोगों का यकीन नहीं बनता है